वेलकम यूट्यूब चैनल सिमला कम्युनिकेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बहुत आभारी हूँ सभी दोस्तों का, प्रोडक्ट सपोर्टर्स का, और जो भी लोग हमारी वेबसाइट से परचेज करते हैं या ऑनलाइन परचेज करते हैं या हमारे स्टोर में विजिट करते हैं। एक नया प्रोडक्ट आईआर मेगा आइडिया का आईआर कैम 2S प्रो। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मेगा आइडिया आईआर कैम 2S के ऊपर, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर पीकी साथ में आती थी। तो आपको खाली सॉफ्टवेयर की पीकी यहाँ पर लगानी थी और इसके अंदर रन करना था सॉफ्टवेयर, उसको इंस्टॉल हो जाना था। अभी इसमें मेगा आइडिया आईआर प्रो के अंदर उन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर की पीपी रिमूव कर दी, मतलब खत्म कर दी पीपी से। तो अभी आपको क्या करना है, सीधा वेबसाइट पे जाना है, गूगल सर्च के अंदर मेगा आइडिया सुपर कैम 2S प्रो सॉफ्टवेयर लिखना है, साथ में डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड को आप नेक्स्ट लिंक के अंदर खोल देंगे तो कुछ इस तरह आपकी वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ से आप क्लिक डाउनलोड करेंगे जिसके ऊपर भी जो भी आपको डाउनलोड करना है। तो क्लिक डाउनलोड करने के बाद जो आपका सॉफ्टवेयर आ रहा है, जैसे कि आप जो है सुपर कैम 2S प्रो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ये वाला सॉफ्टवेयर जो है आपने डाउनलोड करेंगे। ये सीधा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके क्लिक डाउनलोड पे चले जाएंगे, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। जहां पे भी डाउनलोड होगा वहां से आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करके आरएआर के अंदर रन कर देंगे। रन करने के बाद ये कुछ इस तरह से जो है एक फाइल बन जाएगी आपकी और इसको आप रन कर देंगे। तो रन करने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद जो है एक आपका आइकॉन इस तरह बन जाएगा आपके, उसके ऊपर ये वाला आइकॉन बन जाएगा। और इस आइकॉन को जब आप क्लिक करके चलाएंगे तो कुछ एक सेकंड्स के बाद जो है ये ड्राइवर जो है ऑलरेडी इसके बीच में होते हैं, ये आपका जो है यहाँ पे असला जो है डिटेक्ट हो जाएगा और कुछ सेकंड के बाद जो है ये चलना शुरू हो जाएगा जब आप यहाँ से, इसमें ऑन ऑफ का बटन है। और दूसरी चीज इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर यहाँ पे जो है नीचे फोकस करने के लिए जो है ऑलरेडी ये को लगा हुआ है, फोकस लेंस लगा हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, सपोज आपको लगता है कि आपके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुई या आपका ये चलता नहीं है दो चार सेकंड में इंस्टॉल होने के बाद, तो बहुत सिंपली आपको क्या करना है, आपको द कंप्यूटर के अंदर जाना है। द कंप्यूटर में जाने के बाद सिंपल शो मोर ऑप्शन पे जाना है, प्रॉपर्टी में जाना है कंप्यूटर की, और कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये आपका यहां पे आ जाएगा डिवाइस मैनेजर। कहीं ना कहीं जहां आपका डिवाइस मैनेजर आ जाएगा, आप इसको खोल लीजिएगा डिवाइस मैनेजर को। ये आपका डिवाइस मैनेजर खुलता है तो डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको एक चीज चेक करनी है जो आपकी होनी जरूरी है। अगर ये है, ये जो आपका दिख रहा है ना LIB USB के USB डिवाइस, अगर ये इंस्टॉल नहीं है, ये चीज इसने नहीं उठाई USB कैमरा, ये जो चीज मैं मार्क कर रहा हूँ तो इसका मतलब ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। देखिए मैं इसको बंद करता हूँ तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा बीच में से। ऑन किया मैंने, कहा ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल है तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं दिखाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन मार्क दिखाएगा। उसके बाद आपको 3-4 बार रिफ्रेश करना है, एक बार अपना पीसी रिस्टार्ट कर देना है, वेट फॉर प्रोग्राम रेस्पॉन्स, और आपको बंद करने के बाद जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो ये जो है आपका यहाँ पर रन होना शुरू हो जाएगा। अभी आपको क्लोज प्रोग्राम करके एक बार दोबारा रन करके दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर। ये आप 2-3 सेकंड देंगे इसको और ऑफ कर दीजिए, रिफ्रेश कीजिए। ये जैसे आपने यहां से बटन ऑन किया और उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आप इसको चलाया तो ये जो है 3-4 सेकंड बाद डिटेक्शन शुरू कर देगा अपने आप। और ये जो है आपका कैप्चर इमेज करने के लिए ये है, अगर आपने वीडियोस पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं आप अपने कंप्यूटर के अंदर तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग ये आ गया सर, ये आप चेक कर सकते हैं। ये मेरा हाथ जो है इसके अंदर आना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया। ये ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो है इसका उसको ऊपर नीचे करने के लिए है, इसको आप जहां भी रखना चाहते हैं। इसके ऊपर एक प्लास्टिक की ये रबर भी लगी होती है तो ये रबर मैंने हटा दी, ये मेरी उंगलियों को जो है डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। यहां से आप चेंज कर सकते हैं, आपको इमेज कैप्चर करनी है तो यहां से कैप्चर कर सकते हैं, और आपको जो है अगर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड होकर सेव होनी शुरू हो जाएगी यहां। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की तो आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 9212177706। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।